अटलांटा जॉर्जिया 1886 एक नए ड्रिंक का जन्म हुआ, नाम कोका कोला। एक फार्मासिस्ट थे जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, उन्होंने ही इसे बनाया था। वो इसे अपने सोडा फाउंटेन पर बेचते थे। लोगों को इसका स्वाद पसंद आता था, मीठा और ताजा, लेकिन बिक्री कम होती थी। दिन भर में सिर्फ 8 गिलास ही बिकते थे। पेम्बर्टन को अपने इस ड्रिंक को मशहूर करने का कोई तरीका ढूंढना था। उन्होंने कोका कोला को 5 सेंट प्रति गिलास बेचना शुरू कर दिया। उस समय सोडा फाउंटेन पर यह एक आम कीमत हुआ करती थी, साथ ही वो मुफ्त के सैंपल भी दिया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने कोका कोला पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुंह से मुंह बात फैल गई। लोग अपने दोस्तों को कोका कोला के बारे में बताने लगे। बिक्री बढ़ने लगी। दिन के 8 गिलास से ये लोगों का पसंदीदा पेय बन गया। एसा ग्रिग स्कैंडलर नाम के एक व्यवसायी ने कोका कोला में संभावनाएं देखी। उन्होंने पेम्बर्टन से इस ड्रिंक के अधिकार खरीद लिए। कैंडलर मार्केटिंग के महारथी थे। उन्हें विज्ञापन पर भरोसा था। वो चाहते थे कि सभी को कोका कोला के बारे में पता चले। कैंडलर ने अलग अलग तरीके अपनाए। उन्होंने कोका कोला का लोगो हर चीज पर लगा दिया, कैलेंडर, घड़ियां, यहां तक कि ताश के पत्तों पर भी। ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुफ्त में ड्रिंक भी बांटे। जल्द ही कोका कोला हर जगह छा गया। जॉन स्टिथ पेम्बर्टन एक अद्भुत व्यक्ति थे। जॉर्जिया में जन्मे, वो एक फार्मासिस्ट बन गए। उन्हें नई मेडिसिनें और पेय बनाने में काफी रुचि थी। अमेरिकी गृह युद्ध का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो संघ की ओर से लड़े थे। युद्ध के बाद उन्हें मॉर्फिन की लत लग गई। यह उस समय दर्द निवारक की एक आम दवा हुआ करती थी। पेम्बर्टन अपनी इस लत का इलाज खोजना चाहते थे। उन्होंने कई अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने एक ऐसा सिरप बनाया जिसके बारे में उनका मानना था कि यह उनकी मदद करेगा। यही सिरप कोका कोला का आधार बना। कोका कोला की मार्केटिंग क्रांतिकारी थी। कैंडलर ब्रांडिंग को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कोका कोला के लोगो को एक पहचान दी। यह अलग तरह की लिखावट भीड़ से अलग दिखती थी। उन्होंने कॉन्टूर वाली बोतल को बाजार में उतारा। इससे कोका कोला अंधेरे में भी आइडेंटिटी जा सकती थी। उन्होंने एडवर्टाइजिंगों में मशहूर हस्तियों का भी इस्तेमाल किया। यह उस समय एक नया विचार था। शुरुआत में कोका कोला सोडा फाउंटेन पर ही बिकता था, लेकिन कैंडलर का नजरिया और भी बड़ा था। वो चाहते थे कि लोग कोका कोला का आनंद हर जगह ले सकें। उन्होंने इस ड्रिंक को बॉटलों में भरना शुरू कर दिया। बॉटल बंद होने से कोका कोला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सका। ये दुकानों और वेंडिंग मशीनों पर बिकने लगा। कोका कोला रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कोका कोला की लोकप्रियता तेजी से फैली। यह देश और समुद्र की सीमाओं को पार कर गया। यह ड्रिंक दुनिया भर में मशहूर हो गया। हर जगह लोगों को इसका स्वाद पसंद आने लगा। कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार किया। इसने दुनिया भर में बॉटलिंग प्लांट खोले। कोका कोला अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक बन गया। यह पश्चिम का स्वाद था। कोका कोला की सफा डिक्टेडा ने कई प्रतिस्पर्धियों को प्रेरित किया, लेकिन कोई भी इसकी लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सका। कंपनी की मार्केटिंग और वितरण बेजोड़ थे। 8 गिलास से एक वैश्विक साम्राज्य तक कोका कोला का सफर बेहद उल्लेखनीय है। यह नवाचार, मार्केटिंग और वैश्विक पहुंच की कहानी है। आज कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह खुशी, ताजगी और साथ बिताए पलों का प्रतीक है। कंपनी लगातार इवॉल्विंग कर रही है। यह नए नए फ्लेवर और उत्पाद पेश करती रहती है, लेकिन इसके मूल कोरिक्य वैसे ही है। कोका कोला की कहानी अभी लिखी जा रही है। Thought it was just a drink. Now the world starts to think. From a secret little sip to a global road trip, spread to everywhere. Everyone has it in hand. Coke, a dream in a can, took the world by the hand. From the lab to the street, every day it's a treat. Bubbles bursting high, fizzing up to the sky. New York to Spain, everybody knows its name. Bubbles bursting high, fizzing up to the sky.
From New York to Spain, everybody knows its name. Ads and jingles sing, it's a universal thing. From small towns to the sea, Coke has found its place to be. Coke a dream in it.